सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के इन अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। राम मंदिर के बाद सीएए वाला ब्रह्मास्त्र, ममता केजरीवाल निकलेंगे नहीं और नीतीश उगलेंगे नहीं, इसे कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मेगा इवेंट की तरह आयोजित समारोह, अब नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लोगों की जुबान पर सीए के नाम से चढ़ा हुआ है, इसे लागू करने की अधिसूचना भी केंद्र सरकार ने सोमवार को जारी कर दी। तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया है। भाजपा ने विपक्ष पर ये दो ब्रह्मास्त्र दाग दिए हैं। सीएए में प्रावधान है कि दूसरे देशों से शरणार्थी बनकर 2014 तक आए सिख, ईसाई, पारसी, जैन समेत 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत सरकार नागरिकता देगी। मुसलमान शरणार्थियों के लिए ये छूट नहीं होगी, यानी वे भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर इसमें किसी राष्ट्रभक्त को कोई बुराई या खराबी नजर नहीं आनी चाहिए, पर विपक्ष विरोध में बलबला जा रहा है। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, विपक्ष के आगे कुआं है तो पीछे खाई कैसे है, और क्यों वोट बैंक को लेकर कई विपक्षी सीएम परेशान हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कैसे ये लागू करने से मोदी सरकार को फायदा होगा। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समझिए कैसा होगा राजनीतिक परिदृश्य। सोचिए अब देश का सियासी माहौल कैसा होगा। नरेंद्र मोदी का 400 पार का सपना पूरा होगा या भाजपा भगाओ का विपक्षी दलों का मंसूबा कामयाब होगा, इसे कहते हैं रणनीति। भाजपा की ताकत भी यही है, जब तक दूसरी पार्टियां प्रदेश तक पहुंचती हैं तब तक भाजपा बूथ तक संगठन खड़ा कर चुकी होती है। जो दल चुनावी मौसम में सक्रिय होते हैं, जिनमें एकता की कल्पना टेढ़ी खीर लगती हो, वे 365 दिन चुनावी मोड में काम करने वाली भाजपा को आसानी से कैसे उखाड़ फेंक पाएंगे। विपक्ष के आगे कुआं तो पीछे खाई है। हाँ, ये काम कोई कर सकता है तो वह जनता यानी वोटर। वोटर कुछ भले जाने ना जाने, पर वे किस मजहब से आते हैं इतना तो उन्हें जरूर पता होता है। सीए का विरोध करने से विपक्ष पीछे हटा तो अब तक के उसके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी सीए के मुखर विरोधी मुसलमान उससे बिदक छिटक जाएंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए पीछे हटना तो उनके सियासी पराभव की बुनियाद बन जाएगा। सीए का समर्थन कर भी अब विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भाजपा अब चैन की नींद भी सो जाए तो सीए के सहारे उसकी कामयाबी पर संदेह की गुंजाइश नहीं बचती। भगदड़ से पहले से ही भौचक हुए विपक्षी दलों के सामने अब इधर कुआं है तो उधर खाई है। वोट बैंक को लेकर कई विपक्षी सीएम परेशान। अब ये देखिए, बंगाल की ममता बनर्जी कह रही हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी का हक छीना गया तो उनकी पार्टी टीएमसी सबसे पहले आवाज उठाएगी। केरल ने तो इसे लागू करने से ही मना कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आग बबूला हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भी सख्त ऐतराज है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी अलग आग उगल रहे हैं। दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल को भी सीएए से गजब की तकलीफ पहुंची है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लंबा पोस्ट किया है। नीतीश के सामने तो गजब का संकट है, अब वे क्या करेंगे। वे भी इसका विरोध कर चुके हैं। एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी नीतीश कुमार सीएए और एनआरसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। वे ये भी कहते रहे कि बिहार में सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे। सीएए पर देश भर में बहस होनी चाहिए। फिलहाल वे भाजपा के नैतिकता बोध से इस कदर दबे हुए हैं कि शायद ही कंठ फूटे। हालांकि कसमसाएंगे जरूर।
तमाम विपक्षी दल सीए का फिर विरोध क्यों कर रहा है? क्या वे मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं है? यानी विपक्ष की मुस्लिम प्रस्थिति साफ दिखने लगी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से बड़े पैमाने पर शरणार्थी बनकर आए मुसलमानों या रोहिंग्या को विपक्षी नेता भारत में क्यों बसाना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हर उस आदमी के सवाल हैं जो विपक्ष की दलीय निष्ठा से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सवाल जन जन को समझाने का अवसर भाजपा क्यों गंवाएगी? वह तो हर ऐसी तरकीब अपनाना चाहेगी जो उसे चुनावी लाभ दिला सके और नरेंद्र मोदी का 400 पार का भरोसा कायम रहे। अब अनुमान लगा लीजिए कि देश की तकरीबन 80% हिंदू आबादी का अब इन विपक्षी दलों के प्रति रुख क्या होगा।